ओके सो बहुत टाइम से लोग पूछ रहे थे कि भाई पीवीपी ट्यूटोरियल लाओ, एंड मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि यार क्या फ़ायदा बना के, क्योंकि इंटरनेट पर ऑलरेडी बहुत सारे अवेलेबल हैं एट द मोमेंट पीवीपी टिप्स और ट्यूटोरियल्स, बट आप लोग को मेरे वाले पीवीपी टिप्स एंड ट्रिक्स जानने थे, एंड मैं क्या करता हूँ टू डोमिनेट इन टू SMPs, और मैंने लापता को कैसे टेक ओवर किया, लॉयल को कैसे टेक ओवर किया, और भी बहुत से SMPs को कैसे टेक ओवर किया। तो फाइनली आज हमारे इस पीवीपी टिप्स वाली सीरीज़ का पार्ट वन है, इसके काफ़ी सारे पार्ट्स रहेंगे क्योंकि एक ही वीडियो में तो मैं सब बता नहीं पाऊँगा, लेकिन जितना मैं आप लोगों को बता सकता हूँ मैं ज़रूर बताऊँगा। एंड हमारा आज का जो एपिसोड है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जब आप किसी से फाइट लेते हो आपकी इन्वेंट्री में एग्जैक्टली क्या सामान होना चाहिए, किस जगह पर होना चाहिए और कितनी क्वान्टिटी में होना चाहिए, वो मैं आपको आज बताऊँगा। ऑलराइट, तो बेसिक से चालू करते हैं। देखो, आपकी स्वॉर्ड पर एटलीस्ट होनी चाहिए शार्पनेस 5, फायर रेस्पेक्ट और अनब्रेकिंग 3, बाकी सारे इतने मैटर नहीं करते हैं। मेंडिंग भी लगा सकते हो, वो भी काफ़ी यूजफुल है। लूटिंग 3 आपको पीवीपी फाइट्स में इतना ऑब्वियसली हेल्प नहीं करेगी। स्वीपिंग एच भी, अगर आप बहुत सारे लोग साथ एक टाइम पे लड़ रहे हो तो स्वीपिंग एच आपको थोड़ा सा मदद कर सकती है, जैसे कि अगर मैं समन करूँ थोड़े ज़ॉम्बी यहाँ पे, अब यहाँ पे जैसे ये बहुत सारे हैं मेरे पास, ठीक है, अब मैं ऐसे करूँगा तो इनको मैं एक बार में बहुत सारे लोगों को मार पाऊंगा। ये देखो बहुत ईजिली मर गए, तो ये काफ़ी काम आता है। तो उसके बाद हमारा एक्स है जिसपे आपको लेजेंड कुछ नहीं चाहिए, एक शार्पनेस 5 इज वे मोर देन इनफ, लेकिन अगर आपको मैक्स आउट करना है तो इस पर एफिशिएंसी 5, अनब्रेकिंग 3 और मेंडिंग भी लगा सकते हो। मेंडिंग अभी मैंने लगाई नहीं है, बट आप लगा सकते हो, उससे ये रहेगा कि यार कम से कम आपकी एक्स टूट नहीं रही है। शील्ड डिसेबलिंग में ही मोस्टली एक्स यूज़ करना, क्योंकि एक्स का जो टाइम है, जैसे मैं दिखाता हूँ, अब मैं इसको दो हिट मारता हूँ, ठीक है, 1 2, अब यहाँ पे मैंने अप्रॉक्सीमेटली 2.5 समथिंग सेकेंड्स में इसको मारा, ठीक है। अगर मैं ज़ॉम्बी समन करूँगा तो मैं इसको बहुत जल्दी मार पाऊँगा, समझ रहे हो। पीपी फाइट्स में यही होता है, आप कितनी जल्दी काम कर रहे हो, आपके मूवमेंट, आपके रिफ्लेक्सेस, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सामने मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जब मैं पीपी जीता हूँ किसी से या ज़्यादा लोग से एक टाइम पे, इट वाज बेसिकली बिकॉज मेरी मूवमेंट ज़्यादा तेज थी, मैं जो काम कर रहा था वो जल्दी कर रहा था, और उनके डिसीजन मेकिंग से ज़्यादा तेज मेरा डिसीजन मेकिंग था कि मुझे कब क्या करना है, समझ रहे हो। तो आपको भी यही करना है। उसके बाद गोल्डन एप्पल, हम लोग को दो स्टैक्स चाहिए, उससे ज़्यादा कि आपको अभी के लिए तो नीड नहीं होगी अगर आप एक SMP में वॉर लड़ रहे हो। हाँ, एंडर जस्ट ज़रूर रखना एक्स्ट्रा, एक शल्कर बढ़ के तो गोल्डन एप्पल रखना ही, क्योंकि भाई आपको पता नहीं कितनी फाइट्स और आपको उसी दिन करनी है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे मैसी हो गया, बट 3 पोर्शन ऑफ स्ट्रेंथ, 1.5 मिनट के स्ट्रेंथ 2, 1.5 मिनट के स्ट्रेंथ स्पीड 2 के पोर्शन ये, ठीक है, 6 हो गए यहाँ पे टोटल ये। उसके बाद 2 सिर्फ आपको चाहिए ये फायर रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे जो मेन पोर्शन आता है, अगर आप 5 से ज़्यादा लोग से लड़ रहे हो, ठीक है, 5 क्या, अगर आप 3 से ज़्यादा लोग भी लड़ रहे हो, ये बहुत काम आएगा, ठीक है। पोशन ऑफ टर्टल मास्टर, बेसिकली बताता हूँ मैं आपको क्या होता है। आप ये अगर पीते हो आप देखो चल नहीं पाओगे, आप बहुत स्लो चलोगे, बट मैं आपको एक तरीका दिखाता हूँ जिससे आप चल पाओगे। अगर आप ऐसे चलोगे तो आप ऑलमोस्ट सेम स्पीड में चलोगे। अगर आप इसको मर्ज कर लोगे विद स्पीड 2, आई गेस आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, बट आपको बेसिकली क्या करना है, पर्ल से चलना है, एंड आपको कोई डैमेज करेगा भी तो आपको डैमेज नहीं होगा। ऑलराइट, तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है ऐसे फाइट्स में जहाँ पे आप लोगों को एक से ज़्यादा लोग से लड़ना। मैंने यूज़ किया ये लॉयल में काफ़ी बार, एंड इट वाज ऑब्वियसली वेरी ओवरपावर्ड। उसके बाद हमारी आती है ये, क्या कहते हैं इसको, रुको यहाँ पे थोड़ी गलत, ये रुको इसको ऊपर कर लो। उसके बाद आती है हमारी क्रॉसबो, जिस पर मैं यूज़ करता हूँ मल्टी शॉट और अनब्रेकिंग 3 मेंडिंग, इससे ज़्यादा तो कुछ चाहिए नहीं होता। पियर्सिंग आप लगा सकते हो लेकिन मत लगाओ मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लोग से लड़ रहे हो, जैसे कि यहाँ पे ज़ॉम्बी समन कर दिया मैंने, ये देखो 3 ज़ॉम्बी को एक बार में मैंने एक ऐसे मार दिया, उसके बाद ऐसे मार दो सबको, एक क्रिट में सब मर जाएंगे, क्योंकि आपने इससे उनको वीकनेस दे दिया है, वीकनेस 30 सेकंड्स का, जिससे वो लोग ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डैमेज लेंगे एंड आप कम लोगे, बिकॉज उनके सामने आपका डैमेज मतलब इतना आप पे लगेगा नहीं जब वो मारेंगे, एंड जब आप मारोगे तो आप उनको बहुत ज़्यादा डैमेज लगेगा। तो ये तो होगी बहुत सारी बेसिक चीज़ें। अब मैं समझाता हूँ फाइट की थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज़ जो आप यूज़ कर सकते हो। हाँ, एक्सप्लोडर्स 3 स्टैक रखना भूलना मत, क्योंकि भाई आपका आर्मर जाएगा ही जाएगा, एंड जब जाएगा तो भाई फाइट करते करते बीच में मार के वापस आप फाइट में आ सकते हो। हाँ, अगर आपका आप पे फिर भी अगर लिमिटेड है, टाइम भी कम है, सोचो आपका हेलमेट अभी नहीं, आपके बूट्स बहुत लो है, ठीक है, और आपकी इन्वेंट्री में जगह है, आपने पोशन मारे हुए हैं थोड़े बहुत, ठीक है, तो आप फाइट लो मारो, हील, उसके बाद आ जाओ फाइट में वापस, अगर बंदा है मारो, ऐसे करो, क्योंकि अगर आपकी मतलब बूट्स अभी लो हैं, ये सारे फुल हैं, ऑलमोस्ट फुल हैं, और आप मारे जा रहे हो तो आपका जो XP है वो आपके हेलमेट, चेस्ट प्लेट और लेगिंग पे भी जाएगा, बूट्स पे इतना नहीं जाएगा, तो उससे आपका ही नुकसान है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है उतने में, आप पे वो क्रेडिट भी पता नहीं कितने ले लें उधर, जितने टाइम में आप फिगर आउट कर रहे हो किसमें कितना गया,
तो ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। दूसरी पीवीपी स्ट्रैटेजी, इतनी बारिश की हो रही है यार, दूसरी पीवीपी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ जो मैं करा भी हूँ पहले लॉयल में और दूसरे एसएमपीस में, वो होती है बेसिकली अगर आपके ये इसमें रूल नहीं है तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि काफ़ी एसएमपीस में ये रूल होता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। बट बेसिकली आपको करना क्या है, अगर आप रिप्टाइड है तो रिप्टाइड से ईजिली ट्रैवल तो कर ही सकते हो आप, है ना, वाटर बकेट से क्लच ईजी। उसके बाद जब आप, अगर आप फाइट ले रहे हो, सोचो आप इस बंदे से फाइट ले रहे हो, ठीक है, तो आपको एक मॉड डाउनलोड करके रखना है जिससे आप इलाइट्रा एक एक क्लिक करके कोई की दबा के अपनी इलाइट्रा निकाल सकते हो। ऑलराइट, उसका नाम इलाइट्रा स्वैपर है, आप सर्च करके लगा सकते हो, मैं भी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगी उसकी। जब आप ये कर लोगे, अगर आप ज़्यादा लोग से लड़ रहे हो, सोचो उस घोड़े से मुझे लड़ना है, मैं इलाइट्रा से उड़ा, मैं इसके पास गया, अगर मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत लोग हैं तो मैं उड़ के निकल भी सकता हूँ, आया मारा, बहुत लोग हैं निकलो। अगर आप फाइट कर रहे हो, ठीक है, आप मार रहे हो, बंदा भाग रहा है, पर्ल उसने किए दो, उधर उस फूल, उस वाइट फूल के पास चला गया, आप इधर हो, अब आप दो पर्ल जब तक करोगे उधर, ठीक है, एक वहाँ गया, उसके बाद रुकोगे, अब ये पानी में भी चला गया भाई, आधे घंटे ऊपर स्विम करके आओ, इससे बढ़िया आप उधर जाओ वापस, मैं आपको बताता हूँ। उसने किया, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली इलाइट्रा पहननी है, उड़ना है, इलाइट्रा स्वैप करनी है, लड़ो मारो उसको, बंदा जब तक पर्ल करेगा, हील करेगा, तब तक आप उस तक पहुँच जाओगे। बहुत यूज़फुल है ये, तो ये ज़रूर ट्राई करना। और हाँ, ऑब्वियसली अगर आप फाइट कर रहे हो भाई, बारिश हो रही है जैसे अभी हो रही है, तो फिर तो ये, बारिश नहीं भी हो रही है जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, बारिश बाई चांस नहीं हो रही है सिंपली, मैं आप दिन में फाइट कर रहे हो या रात में फाइट कर रहे हो, बारिश नहीं है, सिंपली यहाँ पे वाटर है, जाओ ऐसे, ठीक है, इधर मेरे पास वाटर बकेट नहीं थी अभी, वो उधर चला गया बंदा, उतने में लगा के जाओ उधर, मारो उसे, सिंपल है ये, सारी चीज़ें आपके मूवमेंट को एनहांस करेगी, तो ऐसी चीज़ें रखना मत भूलना अपने पास, अगर आप कर सकते हो, एसएमपी में अलाउड है रिप्टाइड, इलाइट्राज अलाउड है पीवीपी के लिए, तो भाई हमेशा अपने पास रखना एक इलाइट्रा एक रिप्टाइड, क्योंकि भाई आपकी मूवमेंट इज़ द की टू विन। अगर आप मूव नहीं कर रहे हो जल्दी, अगर आप सोचने में ही टाइम लगा दे रहे हो, तो आप पीवीपी करने का कोई वो ही नहीं है, हिट्स तो बाद में आते हैं, ठीक है। पीवीपी स्वॉर्ड रिलेटेड पीवीपी और डिटेल में क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊँगा, तब तक के लिए मैं अभी के लिए चलता हूँ। ऑल राइट, आई विश कि आप लोग कुछ समझे होगे कि कैसे इन्वेंट्री रखना है, लेआउट क्या होना चाहिए, टोटम्स आपने देख लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि क्या रखना चाहिए, कितने अमाउंट में रखना चाहिए, एरोज कितने हार्मिंग के रखने चाहिए, जैसे कि मैं जब बो यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यही हार्मिंग के यूज़ करता हूँ, क्योंकि भाई डैमेज ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, इन्वेंट्री लेआउट आपको मैंने बता दिया, आप ये यूज़ कर सकते हो अपने एसएमपीज़ में, तब तक के लिए मैं चलता हूँ, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड या कीप ट्रेनिंग, बाय बाय।